और सब गाइस वेलकम बैक टू दिस अंदर ब्लॉग। तो जैसे कि हमने लास्ट ब्लॉग में मुझे बोला था कि 6 फुट के गुड्डे दिखाओ, 3 फुट के गुड्डे दिखाओ, तो आज के ब्लॉग में आपको वही दिखा रहा हूँ। और हाँ, आज लास्ट वीडियो आएगी दुकानों वाली, मतलब सारी दिखा दी है, वो काइट का रेट वगैरह सारी काइट्स का रेट बता दिया आपको मैंने। तो आगे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊंगा। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं ना यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। तो अभी अभी जस्ट ना मैं विजय की दुकान पे पहुंच गया हूँ। तो अभी कह रहे हैं कि सारा सामान आया है, मतलब अभी अभी इन्होंने शायद से इनका जो पहले सामान था ना सारा बिक गया हुआ है, बस नया स्टॉक आया हुआ है। तो ये बोल रहे हैं मैं आपको छोटी गाइड का रेट बताऊँगा और बिल्कुल जेन्युइन रेट बताएंगे, जैसे आप बोल रहे थे ना लास्ट वीडियो में कि उन्होंने वहाँ जाके महंगा दिया, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होगा। तो आपको पहले मैं लोकेशन बताया था कि कहाँ पर इनकी शॉप है, तो वो शॉप बता के ना आपको सारा कुछ बताता हूँ मैं। इसमें आपको शेता ही बताऊँगा और 3 फुट का बताऊँगा। भैया पतंगे वगैरह हैं आपके पास? अच्छा, अभी भैया के पास ना पतंगे वगैरह कुछ भी नहीं है, पर कह रहे हैं कि 2-3 दिन में आ जाएगा। तो पहले आपको मैं ना इनकी वैरायटी बताता हूँ, मतलब कौन कौन सी काइट है इनके पास। तो सबसे पहले आपको लोकेशन बताता हूँ, ये देख लो, यहाँ से मतलब आप यहाँ से आओगे ना आप पकड़ेंगे वाली साइड से ऊपर, ये दीवाना मंदिर वाली साइड से राइट साइड पहली दुकान है। ये गुड्डे देखो आप, ये है 3-3 फुट के तिरंगे, उसके बाद वो वी शेप वाला अखेदार, मतलब नीचे बहुत सारे पड़े हैं, और 6 फुट वाला उनके पार वाली साइड पड़ा है, वो पड़ा 6 फुट वाला। तो पहले ना आपको मैं सारी काइट्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको 6 फुट, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ही आपको मैं 3 फुट उनकी वह मच्छी वगैरह हैं बड़ी बड़ी, और जो 6 फुट है वो बता दूंगा, और जो 3 फुट है वो बता दूंगा। आप भैया से पूछते हैं पहले, ये देखो ये कितने का? 25 का यार। आप देखो मतलब तिरंगा कितना सही बना हुआ है, और आप देख सकते हो हैवी कितना, साइज देखो कितना बड़ा यार, 25 रुपीज़ का, मतलब जेन्युइन रेट, और ये बिल्कुल जेन्युइन रेट बता रहे हैं आपको। ये नहीं बोलेंगे यहाँ पे अगर जब आप लेने आओगे ना आपको भी 25 के लगाएंगे, चाहे आप राखी के एक दिन पहले आओ या बाद में आओ, पर 25 के लगाएंगे आपको। मतलब ये वाला देखो आप, मतलब ये वाला 25 का, मुझे सबसे ज़्यादा ये लगी तिरंगा, ये 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त में उड़ाएंगे पक्का। ये देख लो ये भी 20 रुपीज़ का, किस तरह डिज़ाइन है सारा, ये देख लो आप, एक ये सारा 20 का, ये पूरी लाइन 20 की लगी हुई है, ये देख लो आप यार डिज़ाइन देखो कितना सही है यार। ये वाला कितने का? 28 का। अरे साइज़ बड़ा, काफ़ी बड़ा यार, हाँ साइज़ काफ़ी बड़ा ना। तो अब मैं आपको ना वो 3 ता वाले और 6 ता वाले गुड्डे दिखाता हूँ जिसकी ज़्यादा डिमांड थी, आपने बहुत सारे कमेंट किए थे कि 6 ता वाले गुड्डे दिखाओ और 3 ता वाले गुड्डे दिखाओ। तो पहले सबसे पहले 3 ता वाले दिखाता हूँ, फिर 6 ता वाले दिखाता हूँ। और जो 6 ता वाले गुड्डे हैं ना उसमें इनके तिरंगा भी है, तो अगर आप चाहते हो ना 15 अगस्त में तिरंगा उड़ाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, तो मैं तिरंगा ज़रूर उड़ाऊँगा उसके लिए। तो आपको सबसे पहले मैं 3 ता वाले गुड्डे दिखाता हूँ, ये सारे ना 3 ता वाले है ना, हाँ यार तिरंगा कितना सही लग रहा है यार। ये कितने का रेट क्या है इसका? ओनली 50, सिर्फ 50 रुपीज़ का यार, जो मर्जी मतलब सारे 50 रुपीज़ के, सही है यार 50 रुपीज़ का एक, मतलब यार कितना सही डिज़ाइन लगा है। तो ये जो मच्छी है, मच्छी 50 रुपीज़ की, ये मच्छी 50 रुपीज़ की, और साइज़ देख लो यार आप, ओ यार सही, कितना सही डिज़ाइन है यार, बूथ देखो कितना सही बना हुआ है यार, मतलब काफ़ी सही है यार, काफ़ी अच्छी है, ठीक है रेट 50 रुपीज़ कुछ भी नहीं है यार। ये मतलब सारी दुकानों में 60 मैंने पता किया था, उन्होंने ही बोला 60-65 का, और ये 50 का दे रहे हैं, और डिज़ाइन देख लो कितना सही बना हुआ है। अब इसके ऊपर शेर था ना, तो अब आपको दिखाता हूँ मैं 6 ता वाले गुड्डे, ये सामने पड़े हुए हैं, तो 6 ता वाले सारा डिज़ाइन दिखाऊंगा आपको मैं, सबसे पहले तिरंगा है और उसके बाद जितने भी डिज़ाइन होंगे ना सारे डिज़ाइन आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये देख लो यार, ये है 6 ता वाले, ये कितने का यार? ये देखो 6 ता वाले गुड्डा देखो, मतलब कितना सही लग रहा है, हाँ अभी देखो कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 यार देख लो, 6 ता वाले पता है ना कैसे चलता है, जो ताल लगे हुए ना 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से पता चलता है 6 ता वाले गुड्डा, और देखो कितना सही लग रहा है यार, ये धूपदार बोलते हैं पता नहीं इसको, कितना सही है। रेट रेट कितना है इसका? ठीक है यार, मतलब सिंगल पीस का 200 है, अगर 2 से ज़्यादा लेने ना आपको तो 180 लगेगा, अगर आपने 10 तक लेने तो और सस्ता कर देंगे ये, देख लो यार कितना बड़ा यार डिज़ाइन देखो यार। और ये भैया बोल रहे हैं जैसे जैसे आप ज़्यादा पीस करते जाओगे ना इसके जो रेट होंगे ना कम होते जाएंगे। और हाँ ये भैया बोल रहे हैं अगर किसी को अपने नाम वगैरह बनाना हो ना, जैसे मेरा नाम है शिवम सिन्हा ब्लॉग्स,
तो मैंने एक नाम अपने नाम का गुड्डा बनाना है, ठीक है, उस पर नाम लिखना है पूरा। तो अगर आपको भी ऐसा बनाना हो ना तो आप बना सकते हो। इन्होंने एक लाया मेरे सामने, उस पर लिखा है पूरा नाम इनकी, शायद इनकी दुकान का नाम है आदित्य कैट शॉप। तो उन्होंने अपने नाम का ही पूरा गुड्डा बनाया हुआ है, तो आपको दिखाता हूँ मैं वो पहले। ये देख लो, ये इन्होंने बनाया हुआ आदित्य कैट हाउस, इनकी इनकी दुकान का नाम है ना आदित्य कैट हाउस, तो इन्होंने पूरा बनाया हुआ है। एक ये भी बनाया हुआ है, ये क्या है मतलब VS? अच्छा भैया VS। तो यार अगर आप लोगों को बनाना है ना ऐसा वाला डिज़ाइन तो VS से आप बना सकते हो। तो आपको लोकेशन मैंने बता दी है, आप VS से पूछते हैं, फ़ोन नंबर अगर देंगे तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ये देख लो, ये VS की दुकान का नाम है आदित्य कैट हाउस। तो ये इनका नंबर है 9682180993, और दूसरा भी है कि देख लो। अगर आपको पूछना है ना इनमें से, मतलब किसी से लेना है, कॉन्टैक्ट करना है, गुड्डे किसने लेने हैं बड़े बड़े, तो आप सीधा इनको फ़ोन कर सकते हो। तो ये आपका ऑर्डर ले लेंगे, एडवांस वगैरह तो लेंगे ऑब्वियसली। तो ये आपका ऑर्डर ले लेंगे और आप मतलब यहाँ पर जाके आराम से गुड्डे ले सकते हो इनसे। तो अभी ना मुझे भैया अपने गोडाउन में लेके आए हुए थे, मतलब घर के ऊपर इन्होंने गोडाउन खोला है पूरा, वो पीछे गोडाउन है, और इतने सारे शेताएँ बनाए हुए हैं, कोई कहने की बात नहीं। अभी एक नीचे रूम भी है, वो उन्होंने लॉक किया हुआ है, इतने सारे शेता भी है ना उसके अंदर। तो अभी वो पीछे देख लो तिरंगा, बस इस तरीके से भैया बना के दिखाएंगे एक। तो सीधा उनके गोडाउन में चलते हैं। हाँ भैया, भैया गोडाउन, और ये अंदर बना रहे हैं वो, देखो पहले के शेप वुड बन रहे हैं यहाँ पे, वो भैया लगे हैं बनाने के लिए। ये कितने सारे बनाए, सिर्फ तिरंगे ही बना रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त आ रही है ना, तो सिर्फ तिरंगे तिरंगे बनाए हुए, देख सकते हो आप। अब इनका रेट सिर्फ 180 है, देख सकते हो आप, और देखो कितने बड़े लग रहे हैं, पेपर देखो कितना साफ है, और सिर्फ 180 रुपीज़ रेट है यार। तो ये भैया यहाँ बना रहे हैं, ये इससे आप वो चक्कर बनाओगे ना जो तिरंगे के बीच में लगेगा, ये जो है ना इसके बीच में लगेगा ना। अच्छा, ये साइड पे वो गोल्डन पेपर लगेगा ना जोड़ के। अच्छा हाँ, सही बात है, ये पूरा लगाएंगे, देखो उसको ये पूरा जुड़ गया। अब इसकी वजह से क्या होता है कि गुड्डा पूरा फटता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, रेडीमेड चलता है वो काम नहीं पा रहा, अपने कारीगर खुद सिलाई करते हैं, सिलाई करवा कर लेकर जाते हैं। जी सारे आप बनाते हो ना खुद? खुद ही तैयार करता हूँ। हाँ जी, ये मतलब डिजाइन दे रहे हो तो इस तरीके से देते हैं वो? इसकी कटिंग करोगे फिर आप? देख लो आप कैसे करते हैं, मतलब कटिंग पूरी। ओ भाई यार, क्या डिज़ाइन बना दिए भैया ने, ये देखो मतलब कितना सही डिज़ाइन बना दिया यार, काट काट के बना दिया, देखो कितना सही, पूरा गोल चक्कर बन गया ना, वाह यार। ये इन्होंने लगा दिया ऊपर तिरंगे के ऊपर, ये देख लो पूरा तिरंगा बिल्कुल सेट हो गया। ये इनको पहले के ऑर्डर मिले होते हैं ना, इन्होंने तभी बना के रखे हुए हैं, पहले के किसी ने ऑर्डर दिए हुए थे। अगर आपको भी ऐसे ऑर्डर देना ना तो भैया का नंबर मैंने आपको बता दिया हुआ है, आप उनको फ़ोन करके ऑर्डर दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे आके ले भी सकते हैं। तो अब लास्ट उनकी दुम लग जाती है गुड्डे की, तो पूरी गुड्डी कम्प्लीट हो जाएगी तिरंगी वाली, लास्ट वो ही दिखाता हूँ। ये तीन डिज़ाइन करोगे आप इसके अंदर? हाँ जी, ये पूरा गुड्डा हो गया रेडी। ये देख लीजिए आप, एक बार पूरा दिखा दो, ये देखो यार कितना सही लग रहा है पूरा, बिल्कुल सेट। 15 अगस्त में अगर आप चाहते हो ना मैं उड़ रहा तो कमेंट करके बताओ, ये भैया ने बनाया हुआ, इनसे भी ऐसे वापस बनाऊंगा मैं। देख लो पूरा अभी इन्होंने बनाया, पूरा अभी सेट किया, और कितना सही लग रहा है यार, देख लो आप। तो आज के ब्लॉग में तो इतना ही था, जैसे आपने देखा मतलब शेता भी उन्होंने पूरा बनाया आपके सामने, उन्होंने पेपर वगैरह पहले के सेट किए हुए थे, क्योंकि वो अभी लाइव बना नहीं सकते थे, और भी बहुत सारे ऑर्डर आए हुए ना, तो उन्होंने बना के रखे थे, उस पर डिज़ाइन देने थे। तो वैसे आपने देखा बस शेता ही पूरे बना के रख दिए उन्होंने। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। तो आज के ब्लॉग में तो इतना ही था, अब हम 15 अगस्त के ब्लॉग बनाएंगे एक और, तो उसमें उड़ा के दिखाएंगे आपको काइट किस तरीके से उड़ती है, मतलब सारा पूरा दिखाएंगे आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप जल्दी से मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।